गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध वैश्या रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। वो बहुत ही सुंदर थी और उसे नगर वधु घोषित कर दिया था, यानी कि पूरे शहर की पत्नी। उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे, यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वो केवल एक वैश्या थी और इतनी अमीर हो गई थी कि वो राज्य खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था उससे कई सुंदर उसकी आत्मा थी, जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद से वैश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती राजा ने वैश्या बनाया था। आम्रपाली के वैश्या बनने के पीछे एक कहानी है। आम्रपाली अपने ग्राहक को बहुत प्यार करने की दिखावा करती थी क्योंकि उसे इसके लिए भुगतान किया जाता था, लेकिन अंदर से वो उन सब से नफरत करती थी क्योंकि वो सब उसका इस्तेमाल एक भोग के रूप में करते थे। एक इंसान के रूप में उसका सम्मान कोई नहीं करता था। एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के, लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी, लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो आम्रपाली उसे देख रही थी। युवा भिक्षु ने आम्रपाली की ओर बेहद सम्मान भाव से आम्रपाली को प्रणाम किया। आम्रपाली उस युवा भिक्षु को एक टक देखती रही क्योंकि पहली बार किसी ने आम्रपाली को सम्मान की नजरों से देखा था, किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा भिक्षु के पैर छुए और कहा, प्रभु कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। इसके बाद आम्रपाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना करें, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया है। ये मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मान पूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए आम्रपाली का भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद आम्रपाली ने कहा, प्रभु आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि 4 महीनों तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीनों के लिए ये महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान में बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि जितना मुझसे हो सकेगा आपकी ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। युवा बौद्ध भिक्षु ने कहा कि माफ कीजिएगा देवी, इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछूंगा, अगर वो मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य स्वीकार करूंगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहाँ से चला गया। इससे पहले कि वो बौद्ध भिक्षु बुद्ध के पास पहुँचता और आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले वहाँ पर मौजूद अन्य शिष्य बुद्ध के पास पहुँच गए और बुद्ध से कहा, आप उस युवा भिक्षु को रोकिएगा, आम्रपाली ने उसे अपने घर में 4 महीने रहने के लिए बुलाया है। आम्रपाली एक वैश्या है, भिक्षु एक वैश्या के घर में 4 महीने रहे ये सही नहीं है, इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और उस भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वो युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया और आते ही उसने बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, बुद्ध नगर की एक आम्रपाली महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पे रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे कहा है कि अगर आप मुझे उसके घर में जाने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर पे रहने के लिए जाऊंगा। अतः बुद्ध आप जो कहे मैं वही करूंगा। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली के विषय में वैश्या शब्द का प्रयोग न करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा,
तुम रह सकते हो। तभी अचानक एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला कि बुद्ध, ये सही नहीं है। ये युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक आम्रपाली नाम के महिला ने इसे घर पे रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वो एक महिला नहीं है, वो एक वेश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, और क्योंकि इसने वेश्या का शब्द प्रयोग नहीं किया है, इसका अर्थ है कि मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसीलिए मैं इसे वहाँ रहने का अनुमति दे रहा हूँ। वहाँ मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वेश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिनों के बाद वो युवा भिक्षु आम्रपाली के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहाँ उपस्थित अन्य भिक्षु उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे ऊपर विश्वास है। मैंने उसके आँखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा है तो आम्रपाली की हृदय को प्रवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपनी शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। ये एक प्रसंग है ध्यान और शारीरिक आकर्षण का, जिसका उत्तर हमें 4 महीने के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहाँ उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध उस युवा भिक्षु पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक आप जोखिम उठा रहे हैं। वो भिक्षु युवा है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए और वो युवा भिक्षु वापस आ गया। उसने आते ही बुद्ध के पैर छुए और उस युवा भिक्षु के पीछे आम्रपाली भी आई हुई थी। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, ये आम्रपाली है और ये आपसे दीक्षित होना चाहती है। ये एक अनोखी महिला है। ये ना केवल सुंदर है बल्कि इसकी आत्मा भी उतनी ही शुद्ध है जितनी की आप कल्पना कर सकते हो। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी, इसीलिए मैं इस भिक्षु को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और ये एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं अपितु ध्यान है। इसीलिए बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वेश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का उस वेश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो डर तुम्हारे बेशुद्ध मन की उपज है कि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुक ऊर्जा को दबाया जा नहीं सकता, इसको केवल रूपांतरित किया जा सकता है। अंत में दोस्तों, जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, साथ में एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।